नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गौरी शास्त्री है और मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स आर प्रोफेशनल्स हु हेल्प यू टू कैरी आउट योर रूटीन एक्टिविटीज विद अ लिटिल मोर ईज एंड अ लॉट मोर इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपकी नियमित गतिविधियों को थोड़ी और अधिक आसानी और स्वतंत्रता के साथ पूरा करने में मदद करते हैं। Sometimes Parkinson disease can complicate the basic daily activities for a person, like bathing, dressing, eating, sleeping, or even walking. This is where an occupational therapist can help you by finding simpler ways to complete functional activities by giving devices and aids to make sure it is easier to do these activities, and by making changes in your furniture and home environment to make it safer and easier to do these activities. कभी कभी पार्किंसन रोग बुनियादी दैनिक गतिविधियों को कठिन बना सकता है, जैसे नहाना, कपड़े पहनना, खाना, सोना, चलना इत्यादि। यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कार्यात्मक गतिविधियों को पूरा करने के आसान तरीके खोजना, गतिविधियों को आसान बनाने के लिए उपकरण और सहायता देना, गतिविधियों को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए आपके फर्नीचर और घर के वातावरण में परिवर्तन करना। आज हम एक ऐसी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी दैनिक गतिविधि के बारे में चर्चा करेंगे जो है कपड़े पहनने की काबिलियत। उसी के लिए कई रणनीति और शारीरिक व्यायाम भी बताए जाएंगे। Today we will be discussing about tips, strategies and exercises to improve your ability to dress yourself. In this part of the video, we will be talking about how to dress our upper body. We will also be sharing exercises, tips and strategies to dress your lower body in the next part of the video. So don't forget to watch part 2. वीडियो के इस भाग में हम बात करेंगे कि हमारे ऊपरी शरीर को कैसे तैयार किया जाए। हम अगले वीडियो में शरीर के निचले हिस्से के लिए ड्रेसिंग के टिप्स और व्यायाम आप तक पहुंचाएंगे, तो पार्ट 2 देखना न भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। What are some of the difficulties you can face as a person with Parkinson's while dressing? कपड़े पहनते समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? एक, कपड़े पहनते समय सामान्य से अधिक समय लेना, taking longer than usual time to dress up. 2. T-shirt, shirt, blouse पहनने में कठिनाइयाँ, difficulty in putting on T-shirts, shirts or blouses. 3. Button बंद करने में कठिनाई, difficulty in putting on buttons. 4. साड़ी की pleats बनाते वक्त कठिनाइयाँ, difficulty in making sari pleats. 5. नहाने के पश्चात अपने शरीर को पोंछने में कठिनाइयाँ, difficulty in wiping yourself after bathing. 6. ड्रेसिंग करते समय गिरने या संतुलन खोना, falls or losing balance while dressing, etc. Now, let's look at some of the tips to overcome these difficulties. आइए अब इन कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर एक नजर डालते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग। टेक योर टाइम टू गेट ड्रेस्ड। हरिंग कैन लीड टू स्ट्रेस विच कैन मेक पार्किंसन सिम्टम्स वर्स। ट्राई टू गेट योर ड्रेसिंग डन ऑन योर गुड और ऑन पीरियड इफ पॉसिबल। ऑलवेज एलोकेट 3 to 5 मिनट्स आफ्टर शावरिंग एंड बिफोर स्टार्टिंग योर ड्रेसिंग एक्टिविटी टू स्टेबिलाईज योर सेल्फ। तैयार होने के लिए स्वयं को कुछ अधिक समय दें। अपनी अच्छी या ऑन पीरियड पर ही ड्रेसिंग की गतिविधि को पूर्ण कीजिए। खुद को स्थिर करने के लिए हमेशा नहाने के पश्चात और ड्रेसिंग से पहले खुद को 3 से 5 मिनट का समय दें। 2. Lay out the clothes you wish to wear on the bed or near the chair. जो कपड़े आप पहनना चाहते हैं उन्हें बिस्तर या कुर्सी पर बिछा दीजिए। 3. Sit down while dressing. Choose a chair with firm support and armrests. Sitting on the edge of a bed to dress can lead to loss of balance and falling. You can wear your t-shirt, shirt or blouse in a seated position. कपड़े पहनते समय बैठ जाइए, आर्मरेस्ट वाली कुर्सी ही चुनें। आप अपनी शर्ट,
टी शर्ट अथवा ब्लाउज को बैठने की स्थिति में भी पहन सकते हैं। पोशाक के लिए बिस्तर के किनारे पर बैठने से संतुलन बिगड़ सकता है और गिर भी सकते हैं। 4. प्रेफरेबली ट्राई टू वेयर लूज क्लोथ्स लाइक सलवार कमीज और कुर्ता पजामा। सलवार कमीज या कुर्ता पजामा जैसे ढीले कपड़े पहनिए। 5. चूज क्लोथिंग दैट ओपन इन द फ्रंट नॉट इन द बैक सो यू डोंट हैव टू रीच बिहाइंड यू। ऐसे कपड़े चुनिए जो सामने से खुलते हो, पीछे से नहीं, ताकि आपके हाथ को पीछे जाने की जरूरत ना पड़े। 6. If buttoning is difficult for you, you can change it with velcro straps, magnetic buttons or push buttons. A local tailor can help you replace these buttons. अपने आप कमीज पहनने के लिए आप आपके बटनों को वेलक्रो, मैग्नेटिक बटन या पुश बटन के साथ बदलाव कर सकते हैं। If you feel tired easily or if it is too effortful, do not hesitate for asking for help where required. Thus, the energy saved could be spent on doing things that you truly enjoy. यदि आप आसानी से थकाव महसूस करते हैं या बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर मदद मांगने से संकोच न करें। इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा उन चीजों को करने में रखी जा सकती है जिनमें आपको वास्तव में आनंद मिलता है। फंक्शनल ट्रेनिंग। नाउ वी विल प्रैक्टिस दीज टिप्स इन ड्रेसिंग दैट वी डिस्कस्ड यूजिंग अ दुपट्टा। द वे टू यूज दिस दुपट्टा इज टू टाई अ नॉट यूजिंग बोथ द एंड्स टू फॉर्म अ रिंग। नाउ होल्ड बोथ द एंड्स ऑफ द दुपट्टा टू मेक श्योर that you form an oval ring. दुपट्टे के दोनों सिरों को एक साथ गांठ बांधकर एक सर्कल निर्माण करें। अब दुपट्टे के दोनों सिरों को इस तरह पकड़कर एक ओवल रिंग बनाइए। Let's begin by learning how to wear a t-shirt. Let this dupatta resemble a folded t-shirt. We will be practicing how to wear a t-shirt by dividing it into 4 simple steps. Step 1 is to pull the dupatta over your head. Step 2 is to remove one hand through the dupatta, preferably your weaker hand so that your stronger hand can assist it. Now hold one end of the dupatta so that the other hand can also go through in it. This will be your step 3. For step 4, pull the dupatta downwards till your waist level. Now that we've learned how to wear a t-shirt, let's understand how to remove it as well. We will also be dividing it into 4 simple steps. Step 1, take one hand and cross it so that the dupatta is held on the opposite waist. Step 2, take another hand, slide it right through it so that both the ends of the dupatta are now secure. Step 3, is to bend a little and make sure that you slowly remove your dupatta upwards till your neck. Step 4 is to remove the dupatta from your weaker side first and then from your stronger side. Now that we've practiced how to wear and remove a t-shirt, let's practice this once again. हम इस दुपट्टे को टी शर्ट की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। टी शर्ट को पहनने के लिए हम इस एक्सरसाइज को 4 आसान स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं। स्टेप 1, हमें दुपट्टे को अपने सिर के ऊपर ले जाना है। स्टेप 2, हमें अपने एक हाथ को, कोशिश करें कि आपके कमजोर हाथ को पहले आप दुपट्टे के अंदर से लेके जा सके। स्टेप 3, हमें अब इस दुपट्टे को पकड़ते हुए अपना दूसरा हाथ भी अंदर से लेके जाना है। स्टेप 4, हमें अब दोनों हाथों से इसे दुपट्टे को नीचे अपनी कमर तक लेके आना है। अब हमें टी शर्ट को पहनना कैसे है इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। जिस तरह हमने एक टी शर्ट को पहनने की प्रक्रिया की,
उसी तरह हम टी शर्ट को निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी हम चार सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप वन, दुपट्टे का एक हाथ को क्रॉस करें और दुपट्टे को कमर के पास पकड़े। अब दूसरे हाथ को क्रॉस करें और दुपट्टे को पकड़ते वक्त दोनों हाथों को इस तरफ क्रॉस कर दे। स्टेप थ्री, अब हमें थोड़ा झुकना है और आराम से इसे ऊपर लेकर आना है। ये कठिन हो सकता है, पर कोशिश कीजिए कि आपका दुपट्टा आपके गर्दन तक आ जाए। स्टेप फोर, हम पहले अपने कमजोर हाथ को दुपट्टे से बाहर निकालेंगे और फिर अपने ताकतवर हाथ को। Now that we've learned how to remove and how to wear a dupatta, let's practice this using four simple steps. Let's practice this once again. Step 1, for wearing a dupatta, pull it over your head. Step 2, put one hand inside, preferably your weaker hand. Step 3, put the other hand inside as well while holding one end of the dupatta. Step 4, bring it down to your waist level. Now let's practice removing this. Step 1, take one hand and cross it over to the opposite waist. Step 2, take the other hand, slide it under so that you secure both ends at your waist. Step 3, bend a little and pull this slowly till the level of your neck. Step 4, take the weaker hand to remove the t-shirt and then use the stronger hand. एक आखिरी बार इसी t-shirt पहनने की प्रक्रिया को प्रैक्टिस करते हैं। हम पहले t-shirt को अपने गर्दन कर ऊपर लेकर जाएंगे। Step 1, हम अपने एक हाथ को दुपट्टे से बाहर निकालेंगे। Make sure कि आपका weaker hand पहले जाए। Step 3, अब दुपट्टे को पकड़ के दूसरे हाथ को भी बाहर निकालना है। अब हमें दोनों हाथों से दुपट्टे को स्लाइड करते हुए नीचे कमर तक लेके जाना है। अब जब हमने प्रैक्टिस की है कि हम टी शर्ट को किस तरह पहनेंगे, एक आखिरी बार उसे निकालने की भी प्रैक्टिस करते हैं। स्टेप 1, हम एक हाथ को कमर के दूसरी ओर लेकर जाएंगे और उसी तरह दूसरे हाथ को भी क्रॉस में कमर के पास लेकर जाएंगे। दुपट्टे के दोनों साइड्स को पकड़िए। स्टेप 3, हम थोड़ा आगे झुकेंगे और कोशिश करेंगे दुपट्टे को अपनी गर्दन तक ला पाए। स्टेप 4, हम अपने वीकर हाथ को पहले निकालने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ यू वेयर अ टी शर्ट एंड रिमूव अ टी शर्ट। नाउ लेट्स कंटिन्यू and learn how to wear a shirt or a blouse. Now, let's practice how to wear a shirt or a blouse by dividing it into four simple steps. Step 1, place one hand through the dupatta. Make sure or preferably use the weaker hand so that the stronger hand can help it. With the stronger hand, make sure that you bend the elbow and get the shirt to the opposite side. Now, put the other hand through the dupatta. Now, bring in both the sides of the dupatta to the middle of your body. Now that we've learned how to wear a shirt, let's practice how to remove it. We will also be dividing this into four simple steps. Step 1, move both the dupattas away from the midline and towards the shoulder. Pull the dupatta out from the stronger hand first. Make sure that you use the stronger side to pull out the sleeves from your weaker hand as well. Slowly pull down the sleeves from the weaker hand using the stronger hand. Now, let's practice how to remove a shirt using four simple steps again. Step 1, move the dupatta away from the midline and towards the shoulder. Step 2, pull out the dupatta from the stronger hand first. Step 3, use the stronger hand to pull out the shirt or the blouse sleeve from the weaker side.
Step 4 is to slowly pull the sleeves down from the weaker side using the other hand. अब हम प्रैक्टिस करते हैं एक शर्ट या ब्लाउज को कैसे पहना जाए. इसे भी हम चार सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. स्टेप 1, हम एक हाथ को दुपट्टे के अंदर डालेंगे. कोशिश करें कि आपका जो कमजोर हाथ है वो स्लीव के अंदर पहले जाए और आप आपके स्ट्रॉन्गर हाथ से उसे ऊपर ले जा पाए. स्टेप 2, अब अपनी कोनी मोड़कर दुपट्टे को बॉडी के दूसरे साइड लेकर आइए. स्टेप 3, अपने दूसरे हाथ को अब दुपट्टे के अंदर से डालिए. ये स्टेप कठिन हो सकता है बट प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसमें भी सफल हो जाएंगे. स्टेप 4, दोनों दुपट्टे के एंड्स को नजदीक लाइए अपनी बॉडी के सेंटर की तरफ. जैसे हमने शर्ट पहनना सीखा उसी तरह अब हम शर्ट को निकालना भी सीखते हैं. इस क्रिया को भी हम चार आसान स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. स्टेप 1, दुपट्टे को अपने बॉडी से दूर लेकर जाइए अपनी कंधों की तरफ. स्टेप 2, अपने ताकतवर हाथ से पहले दुपट्टे से अपना हाथ बाहर निकालिए. अब अपने कमजोर साइड के स्लीव को भी नीचे लेकर आइए. स्टेप 4, अपने ताकतवर हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपने कमजोर हाथ से स्लीव को बाहर निकालिए. Now, let's practice wearing and removing our shirt one more time. Put one hand through the shirt first, preferably your weaker hand. Step 2, get the dupatta onto the other side by bending your elbow. Step 3, put your hand through the dupatta. Step 4, pull both the ends of the dupatta to the middle of your body. Like you're wearing a shirt. Let's practice removing it once again. First, move the dupatta from your midline to the shoulder. Step 2, pull the dupatta from the stronger hand first. Step 3, remove the sleeves off the weaker side. Step 4, remove the sleeves. एक आखिरी बार शर्ट को उतारना और पहनना प्रैक्टिस करते हैं. स्टेप 1, हम अपने कमजोर हाथ में पहले स्लीव को चढ़ाएंगे अपने ताकतवर हाथ को यूज करते हुए. स्टेप 2, अब हम अपने हाथ को बेंड करके अपने बॉडी के दूसरे तरफ दुपट्टे को खींच कर लेके आएंगे. स्टेप 3, अब अपने ताकतवर हाथ को दुपट्टे के अंदर से लेकर जाएंगे. स्टेप 4, दोनों स्लीव्स को बॉडी के नजदीक लाइए ताकि आप शर्ट को पहन सके. अब जब हमने शर्ट को पहन लिया है एक आखिरी बार शर्ट को रिमूव करना भी प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें दुपट्टे को अपने बॉडी के सेंटर से दूर लेकर जाना है. सेकेंड स्टेप में हमारे ताकतवर हाथ से हमें दुपट्टे से अपना हाथ बाहर निकालना है. तीसरे स्टेप में आपको आपके कमजोर हाथ के स्लीव को बाहर निकालना है और आखिरी स्टेप है कि आप पूरे हाथ से उस दुपट्टे को बाहर निकालिए. दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस हाउ टू वेयर एंड रिमूव अ शर्ट. नाउ लेट्स प्रैक्टिस हाउ टू वाइप आवर बैक्स. इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन हाउ समटाइम्स बिकॉज ऑफ पार्किंसन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट to rub our back with our towels after taking a shower. We can do a simple exercise to overcome this difficulty. Step 1, lift your hand up. Step 2, bend your elbow such a way that your hand goes behind your back. Step 3, take the other hand and fold it in such a way that it goes behind your waist. Your position should look like this. You need to stand straight, your neck should be straight and so should the towel. Now we will perform a vertical motion up and down, up and down. Let's begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Now bring down your hand slowly and relax. कई बार पार्किंसन डिजीज में हमें नहाने के पश्चात अपने पीठ को तौलिए के साथ पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम एक सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथ को पहले तौलिए के साथ ऊपर लेके जाइए, अब उसे कोनी से मोड़िए। इसी प्रकार आप दूसरे हाथ को भी बाहर लेके जाइए और कोनी से मोड़कर अपने कमर के पीछे रख दीजिए। आपकी पोजीशन कुछ इस तरह होगी। आपका तौलिया, आपकी गर्दन और आपकी पीठ तीनों सीधे रहेंगे। अब हम इसी तरह हाथ को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप इसी एक्सरसाइज को और कठिन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह अपने दोनों हाथों को नजदीक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। हमें आशा है कि आपको आज के बताए गए टिप्स, स्ट्रैटेजीज और एक्सरसाइजेस पसंद आए हो। थैंक यू।